वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सुपीरियर ओएस कैसे इंस्टॉल करें जो कि रेडमी नोट 5 प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 5 प्रो और यहाँ पे देख सकते हो 12.0.2.0 एंड्रॉयड 9 मिल जाता है। 5 नवंबर 2020 का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड यहाँ पे वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट वर्जन के साथ जाना है जो कि यहाँ पे सुपीरियर ओएस आपको यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हो चुका है, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के साथ यहाँ पे एंड्रॉयड 11 मिल जाता है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और यहाँ पर जो सुपीरियर ओएस है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा कस्टम रॉम है जो कि बेशक आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या करना है जो कि MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है, उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे आपको, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग, जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस के यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बूट लोडर अनलॉक कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ पे आप जो है कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो कि कस्टम रॉम इंस्टॉल करना, रूट इंस्टॉल करना, यहाँ पे TWRP इंस्टॉल करना, कुछ भी कैमरा टू API जो कि गूगल कैमरा इंस्टॉल करना, कुछ भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल अपने डिवाइस को PC से कनेक्ट कर लेना है और फाइल ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना होगा, जो कि फाइल ट्रांसफ़र, और आपको यहाँ पे आना है PC में। PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल TWRP सुपीरियर OS, उसके बाद यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप, मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK, और जो सुपीरियर OS है यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 783 MB का आपको यहाँ पे फाइल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो सुपीरियर OS आता है इसके साथ आपको यहाँ पे जी एप्स नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे जी एप्स इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके कारण आपको यहाँ पे क्या करना होगा जो कि जी एप्स भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं भी कॉपी कर लेता हूँ जी एप्स को। तो यहाँ पे देख सकते हो जी एप्स भी डाउनलोड कर चुका हो जो कि यहाँ पे स्टॉक में, और यहाँ पे जो कि नाइक जी एप्स है यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉपी कर लेना है जो कि सभी फाइल्स को प्लेटफॉर्म टूल छोड़ के अपने इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा, जो कि देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है जो कि सभी फाइल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है डिवाइस में, डिवाइस में आने के बाद पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। इससे क्या होगा आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है जब तक आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड में ना बूट हो जाए, जो कि देख सकते हो डिवाइस फास्ट बूट मोड में आ चुका है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है PC में, PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फोल्डर को ओपन करना है इसके अंदर, और एक फोल्डर इसको भी यहाँ पे ओपन करना है, और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है, जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है जो कि फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, तो देख सकते हो फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस, उसके बाद जो रिकवरी है जो कि TWRP उसको ड्रैग करना है यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना होगा, जो कि आपके डिवाइस में यहाँ पे TWRP फ्लैश हो जाएगा, और यहाँ पे जो PC का वर्क है यहाँ पे खत्म हो चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना है, पावर प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है, डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना होगा, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है, वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में, डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को रिलीज कर देना है, वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रख लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो TWRP आ चुका है, जो कि एक लेटेस्ट TWRP आता है जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कर लेना है, उसके बाद आपको एक बार सभी फाइल्स को चेक कर लेना है, वाइप में जाना है, एडवांस वाइप डालवे कैश डेटा आपको यहाँ पे सिस्टम वेंडर वाइप कर देना है, होम प्रेस करना है, इंस्टॉल में जाना है। फर्स्ट आपको यहाँ पे सुपीरियर OS को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सुपीरियर OS यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सुपीरियर OS इंस्टॉल्ड हो चुका है, उसके बाद बैक आना है, यहाँ पे आपको नाइक जी एप्स को भी इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो नाइक जी ऐप्स भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सुपीरियर ओएस के साथ रूट इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप को भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि मैजेस मैनेजर जिप इंस्टॉल्ड करने से आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट अनेबल हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जो कि यहाँ पे मैजेस मैनेजर इंस्टॉल्ड होने तक। तो देख सकते हो मैजेस मैनेजर जिप भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद होम प्रेस करना है, वाइप में जाना है, फॉर्मेट डेटा आपको यहाँ पे यस कर लेना होगा। देख सकते हो डेटा यहाँ पे फॉर्मेट हो रहा है, हो चुका है। उसके बाद रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो सुपीरियर ओएस यहाँ पे बूट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना होगा और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि यहाँ पे स्टॉक यूआई मिल जाता है जो कि सुपीरियर ओएस का। तो यहाँ पे आपको सिंपल सेटअप कर लेना है, बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो वीडियो है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन वीडियो है, यहाँ पे रिव्यू वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सुन, जो कि यहाँ पे एंटीडो बेंचमार्क्स को यहाँ पे गूगल कैमरा क्लैरिटी कैसा है, उसके बाद पबजी के मामले में रॉम कैसा है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या बग्स है, उसके बाद क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, सभी के बारे में एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा जो कि सुन। और यहाँ पे जो है वीडियो एक इंस्टॉलेशन वीडियो था, तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, ओके, तो यहाँ पे वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।